मगध से अपनी कैपिटल शिफ्ट करती अयोध्या, उस समय पर यहाँ पर इस मंदिर को दोबारा रीबिल्ड किया जाता है यहाँ पर ही। उसके बाद हम और इसका ये ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं हमको, उसके बाद के अंदर 1191 के अंदर, जैसा हम सब लोगों को मालूम है कि मोहम्मद गोरी आया और उसका पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई जिसके अंदर की वो हार गया था, लेकिन इन्होंने एक ऐतिहासिक भूल करी, उसको छोड़ दिया। उसके 1192 में दोबारा वो जब आता है मोहम्मद गोरी, तब पृथ्वीराज चौहान को हराता है, और 1193 के अंदर वो यहाँ पर मोहम्मद गोरी अपना वन ऑफ द कमांडर्स उसके जो होते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार बनाई उसको छोड़ के जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जो एज अ दास स्लेव ही वाज सोल्ड इन द मार्केट ऑफ निशापुर ऑफ ईरान। ईरान में एक प्रोविंस है उसका नाम खुरासान, खुरासान में ये है निशापुर, वहां पर ये एज अ स्लेव बिका था। इसने 1194 के अंदर इसको जो है इस मस्जिद को या वो वहां पर तो इस मंदिर को उसने ध्वस्त किया था, और उसको ध्वस्त करने के बाद में यहाँ पर 1230 के अंदर एक बहुत ही रईस मर्चेंट था गुजराती, जिसने कि उसका नाम किसी को नहीं मालूम है, उसने इसको रिबिल्ड किया। उसके बाद जैसा हम सब लोग जानते हैं 1236 से लेके और 1240 के बीच में रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर थी, तो उनके टाइम पे यहाँ पर रजिया मस्जिद थी, उन्हें एक एक पुराने टेम्पल की जगह पर वो बनी। उसके बाद आते शर्की रूलर्स जो जौनपुर के थे, जब वो हुसैन शाह, रवि भट्ट जी मैं माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ, लेकिन वक्त ब्रेक का हो गया, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ 17वीं शताब्दी के आसपास क्या लिखा गया है, इतिहासकारों ने क्या लिखा है इस जगह को लेकर के। देखिए 17वीं शताब्दी आप जिस आप जाते हैं, एक हिस्टोरियन हुआ है वो आप हिंदू में मत यकीन करिए, जो मुस्लिम हिस्टोरियन हुआ है जो कि ऑलमोस्ट कॉन्टेम्पररी समकालीन था औरंगजेब के, उसका नाम था सैयद मुस्ताद खान, उसने एक किताब लिखी है मसारे आलमगिरी, उसके अंदर उसने मेंशन उसको कि सर जदुनाथ सरकार जो कि औरंगजेब के ऊपर अथॉरिटी है, उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उस बुक को, और उसके अंदर भी इसका ये मेंशन है कि यहाँ पर ये मंदिर था जिसको कि औरंगजेब के वक्त पे ये 1669 के अंदर औरंगजेब के आदेश चले, लेकिन इतिहास किताबों में इसका जिक्र है, साइंटिफिकली और इतिहास के नजरिए से भी प्रूव्ड है कि वहां पर एक मंदिर था 17वीं शताब्दी से पहले, लेकिन कोर्ट को तय करना है, हम आप डिबेट में ये तय नहीं करेंगे, कोर्ट को तय करना है, लेकिन कोर्ट पर भरोसा तो रखिए साहब, कोर्ट पर भरोसा दरअसल मुस्लिम पक्ष के और खासतौर पर मुस्लिम पक्ष होने का जो लोग दावा करते हैं उन्हें नहीं, इस पर चर्चा जारी रखेंगे फिलहाल। तो ज्ञानवापी पर ठनी हुई है दरअसल व्यास जी के तहखाने में पूजा की जा सकती, तो इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ इस्लामी जो संगठन है वो भड़के हुए हैं, और यहां तक कह रहे हैं कि कुछ लोग जो धार्मिक स्थलों पर कब्जा करना चाहते हैं उसके फेवर में अदालतें फैसला सुना रही हैं, अदालतों पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही है। मौलाना शाहबुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक चुका है। मौलाना साहब सवाल यह है कि अगर आप जुडिशरी सिस्टम पर, आप हालांकि नहीं सवाल उठा रहे लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो जुडिशरी सिस्टम पर ही जाएंगे, जुडिशरी के पास ही जाएंगे, उनके दरवाजे पर ही दरवाजे को खटखटाया जिसमें 6 तारीख की तारीख मिल गई है अब सुनवाई की हाईकोर्ट में, आखिरकार तो हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसी पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं ये लोग, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं इससे? देखिए ये तो सरासर गलत बात है, और अदालत पर कोर्ट पर जो है वो इस तरीके से सवालिया निशान नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इंसाफ अगर मांगना है और जिसके पास हम इंसाफ मांगने जाएंगे और मांगने से पहले हम उसको मुर्दे इल्जाम ठहरा दें, उसको तनकीद करें, क्रिटिसाइज करें और फिर हम उसके पास में इंसाफ मांगने जाएं, तो ये क्या यानी दो तरीके से पैमाने कैसे हो सकते हैं, या तो हम इंसाफ मांग लें या हम तनकीद का निशाना बना दें। तो जाहिर बात है कि ये एक सिस्टम है, एक निजाम है, और हमारा देश एक निजाम के तहत चलता है, तो वो निजाम है उसको फॉलो करना चाहिए और उसको फॉलो ही किया जाएगा। अब दरअसल ऐसा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक मखसूस तबके की नुमाइंदगी करता है, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता, इसलिए उसको पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर के नजरिए से न देखा जाना चाहिए, बल्कि वो एक मखसूस तबके की नुमाइंदगी करता है, उसी तबके की नुमाइंदगी के हिसाब से देखा जाना चाहिए। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में मीडिया में भी, पॉलिटिकल लोगों में भी, हुकूमत में भी और हिंदू हजरात में भी ये लोग जो है वो
छाए रहते हैं और लोग जानते हैं, उसकी वजह यह है कि ये लोग राजधानी में रहते हैं और इनके पास में किसी चीज की असर रसूख की जराय अबलाग की कमी नहीं है, इसी वजह से इनको जाना पहचाना जाता है। और अभी काफी दिनों पीछे इन्होंने जो कुछ केसेस किए थे तो इंसाफ मांगने के लिए भी वो गए थे। जाहिर बात है कि जब हम इंसाफ मांगने जा रहे हैं तो जिससे इंसाफ मांग रहे हैं तो हमें उससे अच्छी बातों की उम्मीद रखना चाहिए, हमें उम्मीद जो है वो नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, मौलाना शहाबुद्दीन ये कह रहे हैं कि ये लोग जो टीवी पर आकर के जो बयान देते हैं, जो इस तरह से मीटिंग करके सवाल उठा रहे हैं, वो दरअसल हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुस्लिमों की जो बात कही गई, नहीं वो नाराज हैं, वो 20 करोड़ मुस्लिमों की नुमाइंदगी नहीं करते। मौलाना शहाबुद्दीन ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। साथ ही गीता मैं एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का की धारा में आरोप में मामला दर्ज होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ? क्यों क्या क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये बायस्ड फैसला बता रहे हैं। आप कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, बोल सकते हैं ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसे कबूल नहीं करते, आप ऊपरी अदालत है, लेकिन आप बायस नहीं बता सकते क्योंकि ये कहा गया कि ये फैसला उन लोगों के पक्ष में दिया गया है जो धार्मिक स्थलों पर कब्जा करना चाहते हैं। तो आपको लगता है क्या कि सरकार या फिर किया जाना चाहिए इन लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई? बिल्कुल, इन लोगों को तो छोड़ा ही नहीं जाना चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये नौजवानों को उकसा रहे हैं। भारत को एक तरह से ये कहा जाए कि ये झूठा साबित करना चाह रहे हैं, ये अगर बाहर ये न्यूज जाएगा समाज के, मतलब भारत के बाहर जाएगा तो क्या लोग कहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से ये हरकत कर रहे हैं। जो हरकत इन लोगों ने किया है इनको सजा मिलनी ही चाहिए और वास्तव में इनके जो ट्रस्ट है उसको भंग करना चाहिए। कारण क्या है कि इस तरह से बेतुकी बातें आज तक किसी ने कोर्ट को नहीं बोला, इन लोगों ने कोर्ट तक को बोल दिया। अभी तक राजनेताओं को बोल रहे थे तो चलो भाई ये राजनेता है एक दूसरे को बोल रहे हैं, लेकिन संविधान के ऊपर अगर अंगुली आप उठा रहे हैं तो आप क्षमा के योग्य नहीं है, आपको जरूर कोई ना कोई इनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। कारण क्या है कि जिस तरह से इन्होंने कोर्ट को खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं तो इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। योगभूषण महाराज जी, इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कुछ लोगों में कि वो कोर्ट को भी नहीं बख्श रहे, कोर्ट को भी बायस्ड बता दे रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है कि वो न्यायिक प्रक्रिया गलत ठहरा रहे हैं। सबसे पहले तो ज्ञान वापी शब्द को देगा, ज्ञान और वापी, वापी का होता है कुआ और ज्ञान का प्रकाश, तो ये फारसी शब्द नहीं है, उर्दू का शब्द नहीं है, ज्ञान वापी शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और मुस्लिम संप्रदाय में संस्कृत भाषा का प्रयोग होना ये कब से शुरू हो गया, तो ये समझना चाहिए। ज्ञान वापी अपने आप में भारतीय सनातन संस्कृति का शब्द है जो परिचायक है ज्ञान की खोज का, ज्ञान के कुएं का। तो ज्ञान वापी मस्जिद शब्द होना ही नहीं चाहिए, ज्ञान वापी के आगे मंदिर लगा होना चाहिए, अपने आप में चायक है। और जो प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं निश्चित रूप से ये संकीर्ण विचारधारा का परिचायक है और ऐसे लोग जो मौलाना जी ने कहा मैं उनके पास सहमत हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, अपने आप का जो है चेहरा चमकाने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। धार्मिक इनको सच्चाई मालूम है क्योंकि इस्लाम खुद ये बात करता है कि किसी भी अन्य धर्म के स्थान को तोड़ करके आप वहां पर जो है अपनी प्रार्थना नहीं कर सकते, अपनी प्रेयर नहीं कर सकते, अल्लाह की नमाज अदा नहीं कर सकते। जबकि ऐसा हुआ है 1669 में स्वयं औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ टेम्पल को ढहाने का आदेश दिया जिसका पत्थर, जिसका शिलालेख एएसआई को सर्वे में मिला है। ठीक है, रवि भट्ट जी, इतिहास में जो बातें कही गई, जो लिखी गई और जो एएसआई का साइंटिफिक सर्वे हुआ, दोनों क्या मैच करता है? जो मासीरे आलमगिरी में लिखा गया और जो शिलालेख मिले वहां पर और जो टाइमिंग बताई गई कि भाई मंदिर कितना पुराना है, नीचे वाला हिस्सा कितना पुराना है, ऊपर जो नया ढांचा बनाया गया वो कितना पुराना है, वो तो भाई साइंटिफिकली प्रूव हो गया, 17वीं शताब्दी का जो नया ढांचा है वो बताया जा रहा है। तो जो साइंस कहता है और जो इतिहास कहता है, दोनों क्या एक पॉइंट पर मैच हो गया है आपके नजरिए से? मैं समझता हूं कि मंदिर का जब तक 10th century BC बिफोर कॉमन एरा, बल्कि अब तो कहते हैं तब से शुरू होकर साइंटिफिक एंट्री ये प्रूव हो चुका है कि वो वहां पर मंदिर था जो कि कार्बन डेटिंग हिसाब से वो वहां पर 10th century के आसपास बिल्कुल उसको एस्टिमेट किया था, ये विज्ञान कहता है। उसके बाद में जो जितने भी हमारे, आप इंडियन को मत मानिए हिस्टोरियन को,
पर आप फेंसंग को तो मानेंगे जो 7th सेंचुरी पे यहाँ पर चाइनीज ट्रेवलर आया था, तो वो भी उसी बात को कहता है, उसने वाराणसी का जिक्र करते हुए इसका जिक्र किया है। उसके बाद जब आप दोबारा आते हैं, जैसे आप आते हैं गुप्ता पीरियड में आते हैं, उसके उस समय भी प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद में आप जब आते हैं यहाँ मोहम्मद गोरी के टाइम के बाद में आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उस समय के टाइम का मिलता है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि जो मर्चेंट गुजराती मर्चेंट है उसका प्रूफ मिल रहा, और सबसे बड़ा तो प्रूफ उसका मिल रहा है जबकि इसको ओरछा का राजा जो थे वीर सिंह देव, उन्होंने इसको बनाने की कोशिश करी थी। शर्की रूलर्स जो थे जौनपुर के हुसैन शाह, उन्होंने आपको आपको उन्होंने 1347 और 58 के बीच में उन्होंने गिराया। फिर इसको ऐतिहासिक तत्व को तो सब लोग जानते हैं, सिकंदर लोधी के बारे में आते हैं, कुछ लोग कहते हैं सिकंदर लोधी ने इसको गिराया था 15 सेंचुरी के अंदर। तो अब ये आपको एक के बारे में मिलना। फिर वीर सिंह जहांगीर के टाइम पे ओरछा के राजा, बुंदेलखंड की राजधानी हुआ करता था ओरछा, ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने इसको इसको रिबिल्ड करने की कोशिश करी थी। उसके बाद फिर हम और आगे जाते हैं अकबर के टाइम के ऊपर। आपकी स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट आ गया, उसे हटा के कहिए आप जो कहना चाह रहे। तो उसके उसके अकबर के टाइम पे राजा मान सिंह जो थे उन्होंने इसको रीबिल्ड करने की कोशिश करी, टोडरमल ने करी 1585 के पास पास, जिसको कि एज पर द नारायण भट्ट जो साउथ का ब्राह्मण था उसने और तमाम लोगों ने इसका विरोध किया और कहा इसको हम एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे कि राजा मान सिंह के जो है बेटी ब्याही गई है वहां पर मुस्लिम लोगों में ब्याही गई है दिल्ली के बादशाह के बाद, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं करा गया। ये तो ऐतिहासिक, ये सब तो ऐतिहासिक फैक्ट्स हैं। उसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं। अब फिर औरंगजेब के बाद ऐसे अभी कई बार बातचीत हो चुकी है, मासरा आलम भट्ट जी, मैं दोबारा आ रहा हूँ रवि भट्ट साहब, सर मैं आपके पास दोबारा लौट रहा हूँ। मौलाना शाहबुद्दीन, एक बात और कही गई आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम संगठनों के मुस्लिम संगठनों के जो बड़े लोग थे उन्होंने बयान दिया, उसमें कहा गया कि भाई मुस्लिम जो है, मुस्लिम समाज के लोग जो है वो संयम बरते हुए हैं, संयम बरतिए ये कहा गया, लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा संयम अगर नहीं बरते तो मुसलमानों को नुकसान होगा लेकिन देश को भी नुकसान हो जाएगा। भाई इस तरह की बातें क्यों करते, सिर्फ कहिए संयम बरती है, क्योंकि हमें आपको सबको संविधान से चलना है, संविधान की रक्षा कोर्ट करता है, अदालतें करती है, उससे चलना है, तो फिर ये दो तरह की बातें क्यों की जा रही है समाज में? देखिए मुसलमान संयम बरत रहा है, आपने देखा होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अयोध्या के मामले में आया उस वक्त से लेकर के अब तक संयम बरत रहा है। कभी भी मुसलमानों ने जो है वो उत्तेजना फैलाने वाली बात नहीं कही। कभी कभी ऐसा होता है कोई बात इस तरह कही जाती है ताकि खुद ब खुद इंडिकेट हो और लोग उत्तेजित हो जाएं, एहतजाज धरना प्रदर्शन करें। मैंने भी तमाम मुसलमानों से अपील की है कि कोई एहतजाज धरना प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है, ये कानूनी प्रक्रिया है, दलीलों सबूतों के जरिए जो है लड़ाई लड़ी जा रही है और लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। हम जितनी मजबूती से अपनी बात कह सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे, मगर ये वक्त रोड पे खड़े होकर के नारा लगाने का नहीं है और न कोई भड़काऊ भाषण देने की जरूरत है, न भड़काऊ बयान देने की जरूरत है। हाँ ये कह सकते हैं कि इन अल्लाह मा साबरीन, सब्र करने वालों के साथ में अल्लाह है, और सब्र करिए, बर्दाश्त करिए, उम्मीद कायम रखिए और अल्लाह से दुआ करिए, ये तो कही जा सकती है, ये बात कहना भी चाहिए, मगर कोई भी माहौल को खराब करने वाली बात नहीं कहना चाहिए। हिंदुस्तान देखिए इस वक्त जो है वो बहुत अमन शांति के साथ में चल रहा है, तमाम हमारे उत्तर प्रदेश में भी अमन शांति है, कहीं कोई खुराफात नहीं है, खुशगवार माहौल है पूरे हिंदुस्तान में, तो यही खुशगवार माहौल बना रहे ताकि दिनचर्या लोगों की इसी तरीके से रोजाना चलती रहे और लोग अपने कारोबार में काम धाम में अपने लगे रहें, अपनी तालीम है, तरबियत है, तिजारत है, इसमें लोग मुनहमिक रहें, यही बेहतर है, यही अच्छा है। और जब हिंदुस्तान खुशगवार होगा, हिंदुस्तान तरक्की करेगा, तो यहाँ का हर बाशिंदा तरक्की करेगा। ठीक है साथी गीतामा जी, मौलाना शाहबुद्दीन जो बात कह रहे हैं यही बात, आखिर वो लोग जो टीवी पर आकर के जिनके चेहरे चमकते रहते हैं, जो बड़े संगठनों के मुस्लिम संगठनों के जो बड़े चेहरे हैं, आखिर यही बात वो लोग क्यों नहीं करते? ऐसा है ना कि इनके हाथ से, मौलाना साहब के हाथ से वो लोग निकल चुके हैं, वो या तो इनकी संख्या कम है मौलानाओं की, या तो शिक्षा कम है उन लोगों की,
जैसे मौलाना जी बोल रहे हैं, अगर इस तरीके के मौलाना हम इनके समाज में आ जाए तो ये जो धैर्य वाली बात अभी मौलाना जी ने कहा कि जो संतोष करता है, धैर्य करता है, उसके साथ खुदा रहता है, तो ये चीज वो क्यों नहीं समझते हैं? उनको भी तो ये चीज समझनी चाहिए। या तो इनके पास समझाने वाले कम है, या तो इनके पास बताने वाले कम है, या तो इनकी सुनी नहीं जाती है, कुछ ना कुछ तो है इनके यहाँ। कारण क्या है, जो जो शब्द मौलाना जी ने कहा उनका शब्द सुनने के बाद कोई भी मतलब अगर अपने गुरुओं का सम्मान करता होगा तो जरूर करना चाहिए इनके बातों का सम्मान, लेकिन कहाँ करते हैं? उनके पास धैर्य नहीं है। आप धैर्य की बात कर रहे हैं कि अल्लाह साथ देगा, कभी नहीं देगा। इनके पास धैर्य ही नहीं है, इनका अल्लाह कहां से साथ देगा? पहली बात। दूसरी बात, ये आग में पट्टी नहीं बांधे हैं कुंदन, इनके आग में पट्टी नहीं बनी है। सब कुछ देख रहे हैं ये, अच्छे से देख रहे हैं कि सारी चीजें हमारे पास है, हमारा वहां कुआं है, हमारा वहां शिवलिंग है, हमारे खंबे हैं, सब कुछ हमारे हैं, फिर भी ये चिल्ला रहे हैं नहीं ये हमारा है, आदिकाल से चला आ रहा है। अरे भैया कहां से आ रहा है? तुम जिस ढंग से बोल रहे हो आंख में पट्टी तो बनी नहीं है। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ये मौलाना लोगों की तो हमें लगता है कि सुनते नहीं है, या तो मौलाना लोग सुनाते नहीं है, डरते होंगे, क्योंकि जो चीज मौलाना जी ने कहा ये अगर सही में है ही होगा ही, इनके कुरान में होगा, इनके धर्म में होगा, तब तो ये आज बोल रहे हैं। वो चीजें इनके जनता तक क्यों नहीं जाती है? ठीक है भट्ट साहब, वो कैसे प्रूव होगा? भट्ट साहब सुप्रीम अदालत हालांकि प्रूव करेगी, सुप्रीम अदालत तक तो मामला जाएगा ये पता है सबको, क्योंकि उससे पहले चीजें रुकने वाली नहीं है। सुप्रीम अदालत में कैसे तय होगा कि वहां पर पहले क्या था? मैं आपको बताऊं, आपने जो शब्द का कैसे प्रूव होगा, ये प्रूव होगा नहीं, ऑलरेडी प्रूवन है ये ऑलरेडी प्रूवन है, खाली इसके अंदर हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इसकी मोहर लगनी है, क्योंकि लॉजिक कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं। यहाँ पर कंट्रोवर्शियल लॉजिक कोई दिख नहीं रहा है। मैं किसी एक पक्ष विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ना हिंदू की कर रहा हूँ, ना मुस्लिम की कर रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं इतिहासकार हूँ और मेरी कोशिश रहती है निष्पक्ष रहूं। और तो यहाँ पर जितने भी आप शुरू से लेके आखिर तक आप देख लीजिए, चाहे ऐतिहासिक तथ्य हो, चाहे वैज्ञानिक तथ्य हो, चाहे इसके अंदर हमें इवन पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी जो है, क्योंकि चाहे अकबर का टाइम हो, चाहे औरंगजेब का टाइम हो, वो तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था ना, तो उस समय के भी प्रूफ मिल रहे हैं। और ये जो आपको मैंने अभी जिक्र किया था, मैंने साकी मुश्ताक खान, साकी मुश्ताक खान बहुत कॉन्ट्रीब्यूटर औरंगजेब के वक्त का आदमी है, और वो उसके दरबार का आदमी नहीं था, ये भी मैं आपको बता दूं। वो जो आदमी दरबार का नहीं हो तो बिल्कुल सही लिखेगा कि नहीं लिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल भाई, दरबारी हिस्टोरियन जो है वो तो सकता है अपने मास्टर को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, लेकिन जो नॉन पर है, और तब तक तो जब इतने लिखना शुरू करा है तब तो डेथ हो चुकी थी औरंगजेब की 1707 के अंदर, तो डेथ के बाद में लिखा है, तो उसको डर भी नहीं था औरंगजेब का, ना लालच था, तो उसने जो लिखा बिल्कुल, और फिर जदुना सरकार जैसे बिल्कुल मासीरे आलमगिरी में सब कुछ स्पष्ट लिखा है। महाराज जी मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ठीक है सर, भट्ट साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। महाराज जी एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक धर्म के लोगों के पक्ष में फैसला जा रहा है, लेकिन सबूत जो है, अदालतें सबूत पर भरोसा करती हैं, गवाह पर भरोसा करती हैं, उसी के आधार पर तो फैसला हो रहा है, या फिर कोई आपको लगता है कि भाई जुडिशरी में भी ऐसे लोग बैठे हैं कि जो भाई धर्म से इन्फ्लुएंस्ड हैं और धर्म को देख करके वो फैसला लेते हैं, ऐसा है क्या? भारत के इतिहास में भारत की अदालतें ऐसा कभी नहीं करती हैं, अगर ऐसा करती तो ये 50-60 साल जो है अब राम मंदिर का मसला नहीं खींचता। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिएगा, न्यायिक प्रक्रिया सबूत पर ही, प्रमाण पर ही विश्वास करती है, साक्ष किस तरफ है उस तरफ ही उसकी न्यायिक प्रक्रिया चलती है। जमीयत उलेमाए हिंद के कुछ लोगों ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सिर्फ और सिर्फ भारत के मुस्लिमों को भटकाने का प्रयास किया है, उन्हें बरगलाने का प्रयास किया है, लेकिन साक्ष्य खुद गवाह बन रहे हैं इस बात का कि वहां पर त्रिशूल है, स्वस्तिक है, ओम है, ऐसी धार्मिक आकृतियां हैं जिनका प्रयोग सनातन परंपरा में किया जाता रहा है, जैन परंपरा में किया जाता रहा है, तो वो साक्ष स्वयं गवाह है कि वहां पर मंदिर था और मंदिर ही है। और साथ ही साथ अभी रवि भट्ट जी जो इतिहासकार हैं उन्होंने भी कहा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा की, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई है, आज भी वहां जो पिलर है, वहां जो छत वगैरह है, उन पर आज भी बहुत सारी जैन प्रतिमाएं बनी हुई हैं, इसका भी हम आगे चल करके सर्वे कराएंगे। तो ये समस्या केवल देखिए मानसिकता के साथ में है,
उन्हें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, अपने धर्म पर विश्वास करना चाहिए, साथ ही साथ जो साक्ष्य मिल रहे हैं उन साक्ष्यों पर विश्वास करना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया को उच्च कराना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, ये कभी भी गलत प्रक्रिया या किसी धर्म विशेष से प्रेरित होकर के गलत निर्णय नहीं देते हैं। महाराज जी, मैं रोक रहा हूं, एक छोटा सा रिएक्शन, बहुत छोटा सा रिएक्शन। मौलाना शहाबुद्दीन, क्या आप चाहते हैं कि इस पूरे मसले पर फैसला जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि ऐसे लोग भड़काते रहेंगे लोगों को? मौलाना शहाबुद्दीन जल्दी से चलिए। मौलाना जी से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल इस चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का। तो कुल मिलाकर के अदालतों को तय करना, लेकिन अदालत के बाहर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है वो सही नहीं है।